झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच पानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी ने बाढ़ को लेकर आरोप लगाया है कि झारखंड के मैथन और पंचेत डैम से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बंगाल में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। माना जा रहा है कि इसी विवाद के कारण पश्चिम बंगाल झारखंड के सीमा को सील कर दिया गया है, जिसमें कई ट्रक फंस गई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने डीवीसी और केंद्र के अधीन झारखंड सरकार को मानव निर्मित बाढ़ करार दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य प्रशासन ने बंगाल झारखंड सीमा क्षेत्र को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अचानक लिए गए इस फैसले से झारखंड से माल लेकर जाने वाले कई ट्रक झारखंड बंगाल सीमा पर फंस गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले माल ढोने वाली लॉरियों के बारे में भी पहले से जानकारी नहीं मिलने से चालकों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। আমাদের কাছে যা কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে ওটা আমরা পুরো ফলো করছি। আমাদের ওখানে পুলিশ ফোর্স আছে, যা কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে ওটা আমরা ওখানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনসকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা চলছে, ওখানে দুপুর দিতে চলছে ওটা। স্যার মুখ্যমন্ত্রীর অর্ডারটা কি আছে সেটা আমি আপনাকে পরে একটু বলে দেবো, হ্যাঁ না এখনই একটা ওটা অ্যাকচুয়ালি ডিসি ট্রাফিক আপনাকে পুরো বলতে পারবে। আমি তো সাইবার থানা ডিসি হেডকোয়ার্টার, হ্যাঁ বর্ডার সিল করা হয়েছে, ওখানে আমাদের ডিসি ট্রাফিক আছে, উনি ওখানেই আছেন, ওটা পুরো সুপারভাইজ করছেন ওখানে পুরো বিষয়টা। वही ट्रक ड्राइवरों का दावा है कि राज्य सरकार के आदेश पर पुरुलिया जिले में झारखंड सीमा को सील किया गया है। कल रात से ही सीमा पर व्यापक निगरानी भी शुरू की गई है और कई वाहनों का रास्ता रोक दिया गया है, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से आए ट्रक चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पुरुलिया जिले का कुल क्षेत्रफल 323 किलोमीटर है और पुलिस ने झारखंड से आ रही लॉरी को कल रात से ही यहां रोक लिया। पुरुलिया के बीजेपी सांसद ज्योतिमय सिंह महतो ने इसकी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार की अक्षमता को उजागर करने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। अपनी शुधुमात्र एकटाई जानें कोनो किछु होले केंद्रेर बिरुद्धे कथा बोला, ये सब नाटक मानुष देखेछे अनेक दिन थेके। আপনি আগে থেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি, শুধুমাত্র কালীঘাটে থাকব, নবান্ন চোদ্দতলা যাব, ওখানে ফিস ফ্রাই করব, আবার কালীঘাটে ফিরব, এই করে রাজ্য চলে না। প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনি ফেলুয়ার আছেন, আর তাই মানুষের মনটাকে ঘোরানোর জন্য, মুডটাকে অন্যদিকে চেঞ্জ করার জন্য আরজি করে যে ঘটনা, সেই ঘটনাতে যেভাবে মানে ছি ছি হয়েছেন, আর সেই কারণে এইসব নাটক শুরু করেছেন। तो वही नेता अमर बावड़ी ने बॉर्डर सील होने की खबर के बाद हेमंत सरकार को बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही इस समस्या का जल्द समाधान भी निकालना चाहिए। बाढ़ का पानी जो है वो अपना जो है डैम का पानी अब रोक दिए। आपको मालूम है कई एक डैम जो है, चाहे मसान जोर हो, चाहे हमारे बाकी जो डैम है, वो झारखंड में बने हैं, डूबा क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन उसके पानी का सिंचाई उसका लाभ जो है पश्चिम बंगाल लेता है। अब वो चाहती हैं कि वो पानी से बाढ़ टूट जाए या पूरा झारखंड बर्बाद हो जाए। भाई ये प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक आपदा है, पानी आया है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। उसके लिए झारखंडियों का अपमान करना और उन अपमान में मुख्यमंत्री जी का चुपचाप दुम दबा करके बैठ जाना, ये सीधा दिल नहीं है, बुलदिली का निशानी है। तो देखिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच पानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच का जो रिश्ता है वो अब विवादों में आ गया है, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, अगर डैम में या फिर पानी अगर बहुत ज्यादा है या बाढ़ की स्थिति है, तो ऐसे में जल निकासी की क्या व्यवस्था है और नियम क्या कहता है?
जी रश्मि, बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला पेचीदा होते जा रहा है, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को हम मामला समझा दें कि पश्चिम बंगाल के सीमा चीचड़ा से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा तक NH-49 पर 18 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। NH पर धीरे धीरे जाम का जो दायरा है वो बढ़ने लग गया है और जमशेदपुर कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर अचानक देर रात से लगे जाम से ट्रक चालक बहुत परेशान है। NH किनारे ट्रकें खड़े करके जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में DVC के द्वारा पानी छोड़ने पर उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति के बाद CM ममता बनर्जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद बंगाल सीमा पर झारखंड की तरफ से आने वाले वाहनों के प्रवेश पर अगले 3 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश के बाद बंगाल में सीमा पर पुलिस अधिकारी व जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और जिस ममता बनर्जी के इस एक्शन से झारखंड हिल गया, बंगाल में आई बाढ़ के लिए वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने DVC को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही बंगाल के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ को साजिश करार दिया है। गुरुवार से बंगाल सरकार ने अगले 3 दिनों तक के लिए बंगाल सीमा में झारखंड के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस संबंध में बंगाल सरकार की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद मैथन और पुरुलिया के पास झारखंड की ओर से जाने वाले वाहनों को बंगाल सीमा पर रोक दिया गया है और रात तक दोनों सीमा पर वाहनों की लंबी कतार लग चुकी थी जो अभी भी जारी है। तो अब परेशानी ये हो रही है कि क्योंकि सारे ट्रक एक लाइन से लगे हुए हैं, कई ट्रकों में कई खाद्य सामग्री है, तो कुछ बहुत सारे ट्रकों में जो सामान जाते हैं सारे चीज फंस चुके हैं और तमाम जो ड्राइवर हैं वो परेशान हैं, सभी लोग जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं और अब ये बातचीत से ही ये पूरा मामला हल होगा। बिल्कुल, और राजी देखिए इसका समाधान होना भी जरूरी है क्योंकि दोनों ही राज्यों में अगर हम बात करें तो INDIA अलायंस की सरकार है, एक तरफ ममता बनर्जी है और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन है। अगर इस तरह से विवाद अगर बढ़ता है तो आम लोगों को परेशानी होगी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से विवाद बढ़ता है तो आम लोगों को परेशानी हो ही रही है जी। और जो इसमें एक बात निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र DVC के बांधों की जो ड्रेजिंग कराने में विफल रहा है जिससे उनकी जल भंडारण क्षमता 36% कम हो गई है, तो मेन मुख्य वजह ये है जिसका आरोप ममता बनर्जी केंद्र पर लगा रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे, आप खैर ये मामला तो फंस चुका है, बारिश का पानी वहां पे घुस चुका है, लेकिन फिलहाल अभी जो सबसे जरूरी काम है दोनों राज्य को बैठ के इस पे हल निकालना होगा क्योंकि वाहनों की जो कतार है वो काफी लंबी हो गई है और लोगों को भी परेशानी हो रही है और कई अन्य पैसेंजर्स भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि जाम में सभी लोग फंस रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों राज्यों को बैठ के सामंजस्य से बैठा के इस जाम से तुरंत बिल्कुल और बीच का रास्ता इस मामले में निकलना चाहिए ताकि दोनों ही राज्यों से, चाहे वो वाहन के परिचालन की बात करें या फिर जो सामान एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है उसमें सहूलियत मिल सके। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए।